जहां जहां पाकिस्तानी टीम ट्रैवल कर रही है भाई साहब, बारिश भी पाकिस्तानी टीम के पीछे पीछे वहां वहां ट्रैवल कर रही है। ये सीन हो रहा है। पाकिस्तान अब सीरीज ये जीत नहीं सकता, मगर लेवल कर सकता है, और इसके भी चांसेस बहुत कम है। लेवल करने के भी सीरीज को चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फोर्थ T20 है जो कि कल होना है ओवल में, वहां पर भी बारिश प्रडिक्ट की गई है। 71% भाई साहब बारिश का बताया गया कि 71% बारिश होगी, और इंडिया को बहुत बेनिफिट है इससे, क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है ना, तो इंडिया पहला मैच खेल चुका होगा आयरलैंड के साथ। इंडिया एक मैच न्यूयॉर्क में खेल चुका होगा आयरलैंड के साथ, पाकिस्तान कोई मैच नहीं खेल चुका होगा। अब हमारा जो ये वर्ल्ड कप है मुश्किल में पड़ चुका है। अगर आपको पता था बारिश है तो आपने सीरीज क्यों करवाई? ये इंग्लैंड को भी नुकसान है और पाकिस्तान को भी नुकसान है, क्योंकि ना इंग्लैंड वार्म अप मैचेस खेल रहा है ना पाकिस्तान वार्म अप मैचेस खेल रहा है वर्ल्ड कप से पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग? बिल्कुल सब खैरियत से होंगे। आपका वेलकम बैक हो चुका है एक अनदर वीडियो के अंदर। ज्यादा देर नहीं करते, बात करते हैं भाई साहब फिर से वही पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ T20I के बारे में, जो कि थर्ड T20I कल फिर बारिश की वजह से नहीं हो सका। पहला जो है T20 वो भी बारिश की वजह से नहीं हो सका। भाई साहब, जहां जहां पाकिस्तानी टीम ट्रैवल कर रही है भाई साहब, बारिश भी पाकिस्तानी टीम के पीछे पीछे वहां वहां ट्रैवल कर रही है। ये सीन हो रहा है पाकिस्तान के साथ। इधर मैच हुआ न्यूजीलैंड के साथ, पहले मैच में बारिश आ गई। आयरलैंड के साथ पहला मैच हुआ भाई साहब, वो हम हार गए। तो उसके बाद अब इंग्लैंड के साथ पहला मैच बारिश, दूसरा मैच हम हार चुके, तीसरे मैच में भी बारिश एक बॉल तक नहीं हो सकी, टॉस तक नहीं हो सकी। तो उसकी रीजन ये थी कि भाई साहब 9:10 पर जो है भाई साहब अंपायर ने आके चेक करना था कि कितने ओवर्स का मैच हो सकता है, लेकिन जब अंपायर ग्राउंड में आने लगे तो बारिश स्टार्ट होगी 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बारिश हुई थी। तो भाई साहब उन्होंने जो है मैच कैंसिल कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया भाई साहब, ड्यू टू रेन, रेन की वजह से मैच का खत्म, कोई चक्कर नहीं। और बता रहे थे उधर के जो उधर हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट, वो बता रहे थे कि भाई साहब वो 2 मिनट के बाद एक कतरा बारिश का नहीं पड़ा, एक कतरा बारिश का नहीं पड़ा। जैसे ही ऑफिशियल अनाउंस हुआ कि भाई साहब मैच खत्म हो चुका है बारिश की वजह से, अब मैच नहीं होगा, उसके बाद कहते हैं कि एक कतरा भी बारिश का नहीं पड़ा। तो ये सीन है। चलें, अब जो भी हुआ वो हो गया। अब पाकिस्तान जो है भाई साहब बहुत मुश्किल में पड़ चुकी है। पाकिस्तान की सीरीज बहुत मुश्किल में पड़ चुकी है। पाकिस्तान अब सीरीज ये जीत नहीं सकता, मगर लेवल कर सकता है, और इसके भी चांसेस बहुत कम है। लेवल करने के भी सीरीज को चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फोर्थ T20 है जो कि कल होना है ओवल में, वहां पर भी बारिश प्रडिक्ट की गई है 71% भाई साहब बारिश का बताया गया कि 71% बारिश होगी। ये जो लास्ट मैच बारिश हुई है थर्ड T20 में, यहां पर थी 60% बारिश, और देखें भाई टॉस तक नहीं हुई, वहां पर 71% बारिश है। तो भाई साहब क्या होगा? यही सीन होगा ना, टॉस होगी भाई, वैसे ही होगा सारा कुछ, जैसे पहले T20 में हुआ है, तीसरे T20 में हुआ है, और फोर्थ में भी ऐसे होगा। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप की भाई साहब कोई तैयारी नहीं कर पाया। पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि फ्लॉप होगा, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के साथ सीरीज नहीं खेलनी चाहिए थी। अगर भाई आपके इंग्लैंड में वेदर नहीं ठीक, तो आपने सीरीज क्यों करवाई? भाई आप वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए आपने सीरीज करवाई है, तो आपने वेदर आपने देखा है कि नहीं सही, तो आपने क्यों करवाई साहब, क्यों करवाई सीरीज बताएं? ना इंग्लैंड ना पाकिस्तान वार्म अप मैच खेल रहा है, दोनों टीमें नहीं खेली, क्योंकि उनके ये सीरीज थी तो उनके वार्म अप मैच यही हो जाने थे, और एक सीरीज थी, ये जो 4 मैचों की सीरीज थी उनमें से 3 तो गए, एक पाकिस्तान हार गया, चौथे में भी भाई साहब 71% बारिश है। तो क्या होगा? बारिश होगी, मैच नहीं होगा। सो पाकिस्तान को अब ये है कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारी कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब पाकिस्तान वार्म अप मैच भी नहीं खेलेगा। पाकिस्तान का ये कल मैच है ना 30 तारीख को, उसके बाद पाकिस्तान ने ट्रैवल कर जाना USA के लिए, वहां पर भाई साहब पाकिस्तान का मैच है पहला आयरलैंड के साथ। तो भाई ये सीन है, आयरलैंड के साथ नहीं, आई थिंक थोड़ी USA के साथ है पहला मैच पाकिस्तान का, तो उससे पहले पाकिस्तान का वहां पर कोई वार्म अप मैच नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई पाकिस्तान सीरीज खेल रहा था इंग्लैंड के साथ, वो वॉश आउट होगी सारी, एक मैच खेला वो भी हार गया, चौथे मैच में भी कह रहे हैं कि भाई साहब बारिश है। तो ये है कि भाई चौथे मैच में भी 71% बारिश प्रेडिक्ट की गई है भाई साहब वेदर फोरकास्ट की तरफ से। तो अब ये है कि पाकिस्तान USA की कंडीशन में कभी नहीं खेला, पहला मैच खेलना है USA के साथ, और इंडिया को बहुत बेनिफिट है इससे,
क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है ना, तो इंडिया पहला मैच खेल चुका हुआ आयरलैंड के साथ, इंडिया एक मैच न्यूयॉर्क में खेल चुका होगा आयरलैंड के साथ, पाकिस्तान कोई मैच नहीं खेल चुका होगा। पाकिस्तान का पहला मैच मेरे ख्याल से किसी और को ना मैच, दूसरा मैच न्यूयॉर्क में है, और इंडिया का पहला मैच न्यूयॉर्क में है आयरलैंड के साथ, और दूसरा मैच भी न्यूयॉर्क में है पाकिस्तान के साथ। सो इंडिया वहां पर एक वार्म अप मैच भी खेल रहा है उससे पहले न्यूयॉर्क में, जहां पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है वहां पर जो है एक मैच भी खेल चुका होगा, और पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान कुछ भी नहीं खेला होगा वहां पर, यूएसए की कंडीशन से पाकिस्तान वाकिफ नहीं है। तो अब हमारा जो ये वर्ल्ड कप है मुश्किल में पड़ चुका है, तो अब देखें क्या बनता है वर्ल्ड कप में। सो चौथा T20i भी बहुत मुश्किल है, जैसे कोई अपडेट होगी वो हम आपको बता देंगे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हम लाइव भी आके आपके बताते हैं, और इस पे जो है आगे वर्ल्ड कप आ रहा है उसके भी बारे में आपको बताएंगे। सो ये वीडियो बनने का मकसद ये है कि भाई साहब चौथा T20 भी बारिश की नजर होने वाला है, मतलब के होने वाला ही है ना, अभी पूरा तो नहीं होना, वो तो अब कल पता चलेगा जब शाम को मैच होगा, तो यही सूरत हाल होगी जो ये T20 में हुआ भाई साहब, बारिश 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 बारिश। तो भाई हम तो दुआएं कर सकते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेज इंडिया 9 जून को है, उससे पहले पाकिस्तान कोई मैच नहीं खेल चुका होगा इन न्यूयॉर्क यूएसए में। सो पहला मैच पाकिस्तान ने खेलना है न्यूयॉर्क में इंडिया के खिलाफ, और इंडिया वहां पर न्यूयॉर्क में एक मैच खेल चुका होगा आयरलैंड के साथ। सो पाकिस्तान में, पाकिस्तान का पहला मैच यूएसए के साथ है, दूसरा जो है भाई साहब इंडिया के साथ है, फिर एक आयरलैंड के साथ है और एक कनाडा के साथ है। सो चार मैचेस हैं, सो छोटी टीमें हैं, देखें क्या बनता है। आयरलैंड तो भाई एक मैच अपने मुल्क में पाकिस्तान को हरा दिया है, सो देखें हम क्या करते हैं, पहला मैच यूएसए के साथ है वो हम क्या करते हैं, लेट्स सी देखते हैं, वो आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। सो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई साहब ये अगर आपको पता था बारिश है तो आपने सीरीज क्यों करवाई, ये इंग्लैंड को भी नुकसान है और पाकिस्तान को भी नुकसान है, क्योंकि ना इंग्लैंड वार्म अप मैचेस खेल रहा है ना पाकिस्तान वार्म अप मैचेस खेल रहा है वर्ल्ड कप से पहले। सो दोनों टीमों को नुकसान है ना, मेरे ख्याल से इंग्लैंड भी यूएसए में उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली ना पाकिस्तान ने खेली है। सो देखिए लेट्स सी क्या बनता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, कोई अपडेट आएगी तो हम लाइव में बताएंगे या वीडियो में बताएंगे। सो आगे आ रहा है ICC T20 वर्ल्ड कप, तो उस पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अल्लाह हाफिज़।